बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मशरिक न्यूज़ के साथ मैं हूँ फिजा कंवल। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किला सैफुल्ला के जवानों में सलाहियतों की कमी नहीं, मगर मवाकों की अदम दस्तियाबी की वजह से ये सलाहियतें बरुए कार लाने से कासिर हैं। गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासिन ज़ेकी, PTI के रहनुमा नवाबजादा शरीफ जोगी ज़ेकी से गुफ्तगू। BAP के मरकजी रहनुमा सूबाई वजीर PHE वासा हाजी नूर खान दुमर ने कहा कि अपोजिशन जमायतों के इतिहाद PDM मेंढकों का इतिहाद साबित हो रहा है। अपोजिशन जमायतों के एहतजाज की ताकत ख़त्म हो चुकी है। जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती बलोचिस्तान के सूबाई अमीन मौलाना अब्दुल कादरी ने कहा कि हुक्मरान दीनी मदारिस के खिलाफ मगरबी दुनिया के एजेंडे का आलायकार बनने के बजाय इस्लामी तालीमात और मुसलमानों की पासदारी करे। हुकूमत और अपोजिशन कौम के सुलगते कौमी मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। लुटेरों को बचाने और बिला तफरीक सबका एहतसाब न करना कौम के साथ ज्यादती है। अमीर जमायत इस्लामी बलोचिस्तान मौलाना अब्दुल हक हाशमी। क्वेटा शहर के ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए कलील मुद्दती और तवील मुद्दती मनसूबों पर अमल दरामद करना वक्त की अहम जरूरत है। कमिश्नर क्वेटा असवंदयार खान। सूबाई वजीर तालीम सरदार यार मोहम्मद का क्वेटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मियां साहब, आपके केसेस जरदारी के ऊपर है, जरदारी के केसेस आप पे हैं। मैं तो हैरान हूं कि ये आके कहते हैं एक पाई हम पे साबित करो। आपको किसी भी प्रेशर में आके एनआरओ नहीं दे। इनकी जो डेमोक्रेसी के वक्त में इस सूबे के साथ, यहाँ के अवाम के साथ, हिंदुस्तान के लोगों के साथ जो नाइंसाफियां हुई, इनकी जो डेमोक्रेसी के वक्त में इस सूबे के साथ, यहाँ के अवाम के साथ, हिंदुस्तान के लोगों के साथ जो नाइंसाफियां हुई, क्या आप भूल गए थे? जब बच्चों को लेके आप रोडों पे, रस्तों पे निकलते थे, आज आप उनकी तहफ्फुज के लिए और उनको दोबारा सियासी तौर पे इस्तेकाम देने के लिए रोडों पे निकलेंगे। क्या उधर से PTI की कैंडिडेट को उन्होंने नहीं जीता? आपको पता है कि मुमखान अचिंतई साहब को उन्होंने इलेक्शन वहां से जीता, और क्वेटा में कासिम सूरी ने ये सीट जीती। यहाँ पे बेमानी, वहां पे ईमानदारी, अभी तो ये नहीं समझ आ रहा। चीफ इंजीनियर CNW डॉक्टर सज्जाद का अयूब स्टेडियम कॉम्प्लेक्स का अचानक दौरा। वजीर आला की खसूसी हिदायत है कि रोड बिल्डिंग समेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मयारी काम हो। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। सिपी में दरियाए नाड़ी के करीब हिफाजती बंद बांधने के तनाज़े पर दो कबाइल के दरमियान फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक होने की इत्तला मौसूल हुई हैं। हेडलाइंस आपने जानी, अब चलते खबरों की तफसील की जानिब। कमिश्नर क्वेटा डिवीजन असवंदयार खान ने कहा कि क्वेटा में ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए तवील मुद्दती मनसूबों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। क्वेटा की आबादी में इजाफा और मुस्तकबिल के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक प्लान मुरतब किए जाएं। शहर की सड़कों की तौसी, गलत पार्किंग की रोकथाम और ट्रैफिक को रमा रखने के लिए इकदाम उठाए जाएं ताकि मुस्तकबिल में ट्रैफिक के हवाले से मसाइल किसी हद तक हल हो सकें। तजावजात और गलत पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अवल तजावजात और गलत पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने से ट्रैफिक के मसाइल हल हो सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने क्वेटा शहर में ट्रैफिक के मसाइल और दीगर मामलों पर ब्रीफिंग के मौके पर किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर क्वेटा मेजर रिटायर्ड औरंगजेब बादीनी, SP ट्रैफिक क्वेटा नज़ीर अहमद कुर्द, SP सिटी जावेद, एडिशनल कमिश्नर नूर अहमद मंदोखेर, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस शहजादा फरहत अहमद जई भी मौजूद थे। ज़िला कच्ची के इलाके में दो कबाइल के माबैन बंद बांधने का तनाज़ा 6 कीमती जाने निकल गया। कबायली तसादम के नतीजे में साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन और एक कमजिन बच्चे समेत 6 अफराद के जाम बहक होने की इत्तला मौसूल हुई हैं। ताहम फायरिंग की इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर मुराद कासी की हिदायत पर लेवीज फोर्स मौके पर पहुंच गई और मुसलसल 4 घंटों की फायरिंग के बाद जाम बहक अफराद की लाशों को तहवील में ले लिया गया। बलोचिस्तान की लड़कियों में छुपे हुए टैलेंट को सामने लाने के लिए बलोचिस्तान में वर्ल्ड फेंसिंग डे के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। आइए मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे यासिर बलोच की इस रिपोर्ट में। बलोचिस्तान की लड़कियों में छुपे हुए टैलेंट को सामने लाने के लिए बलोचिस्तान में वर्ल्ड फेंसिंग डे के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद लड़कियों के टैलेंट को प्रमोट करना था। जो मैार जो स्टैंडर्ड यहाँ पे प्रेजेंट किया गया, रियली गॉट इम्प्रेस्ड। आपकी ट्रेनिंग यकीनन काबिल दीद है और आप लोगों ने बहुत अच्छी उनकी ट्रेनिंग की है। मैं देख रहा हूँ बलूचिस्तान में इसकी
की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यूथ की कि वो जिस तरह खेल रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ है जहन में कुछ प्रोग्राम्स इनके लिए, और जितनी भी सपोर्ट आपको हमारी तरफ से चाहिए होगी हम हमेशा तैयार हैं। तकरीब का इनेकाद बलूचिस्तान फेंसिंग एसोसिएशन के जेर एहतमाम हुआ, जिसके मेहमान खसूसी सेक्रेटरी के इमरान घिचकी और डीसी कोयटा थे। खिलाड़ियों का कहना था कि इन्हें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसे टूर्नामेंट का मुस्तकबिल में भी इनेकाद होना चाहिए। खेल के मुकाबलों में प्लेयर्स का जोश काबिल-ए-दीद था। तकरीब के इख्तिताम पर पोजीशन लेने वाले खिलाड़ियों को मेडल और इनाम से नवाजा गया। कैमरामैन तौकीर मेरानी के साथ मोहम्मद यासर, मशरिक न्यूज़, क्वेटा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashriq.com.pk।